की पांचवे विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी अपनी सीट खटीमा हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद कापड़ी से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसको कितने मिले वोट? भुवन कापड़ी को मिले 48,177 वोट, पुष्कर सिंह धामी को मिले 41,590 वोट। 7,579 वोटों से हारे पुष्कर सिंह धामी। कौन है भुवन कापड़ी? सीएम धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी आकर हैं कौन, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता भुवन चंद कापड़ी एलएलबी किए हुए हैं और वो उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। साल 2017 में भी वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भुवन कापड़ी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने धामी को मुख्यमंत्री रहते हुए हरा दिया। वहीं युवाओं के बीच लोकप्रिय भुवन चंद कापड़ी उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी भुवन कापड़ी काम कर चुके हैं। वोटों से हारे कापड़ी। 2017 में भुवन कापड़ी और पुष्कर धामी थे आमने सामने। 2,709 वोटों से हारे थे भुवन कापड़ी। पुष्कर धामी को मिले थे 29,539 वोट, भुवन कापड़ी को मिले थे 26,830 वोट। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है और बीजेपी के सीएम खुद अपने विधायक की सीट तक नहीं बचा पाए। ऐसी ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।